जय बाबा बर्फानी। भूखे को अंधे, प्यासे को पानी। आज के इस वीडियो में मैं अमरनाथ यात्रा 2020 के बारे में कुछ विशेष बातें बताने वाला हूं, जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी हो गई है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को नीचे राइट साइड में लाल कलर के बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आप सब भक्तों को मालूम है, आज हमारा पूरा देश एक महामारी से जूझ रहा है। इस महामारी के चलते आपके मन में काफ़ी सवाल उठ रहे होंगे। उन सभी भक्तों के जवाब एक एक करके मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ। सबसे पहले, इस लॉकडाउन में हम मेडिकल चेकअप कैसे करवाएं? इसका उत्तर है, हमारे देश में 21 दिन का लॉकडाउन है। आप लोग अभी मेडिकल चेकअप नहीं करवा सकते और लॉकडाउन खुलने के बाद भी आप कम से कम 15-20 दिन बाद ही चेकअप करवा पाएंगे, क्योंकि हमारे देश के भगवान यानी डॉक्टर उस समय भी कोरोना के ऊपर कार्यरत करते रहेंगे। दूसरा है, क्या जिसका मेडिकल हो चुका है वह रजिस्ट्रेशन करवा पाएंगे? इसका आंसर है, जिसका भी मेडिकल हो चुका है वह भक्त के पास दो ऑप्शन हैं रजिस्ट्रेशन करवाने का। पहला है बैंक में जाकर, दूसरा है ऑनलाइन। अमरनाथ यात्रा साइन बोर्ड ने 2 अप्रैल की डेट दी हुई है, परंतु 15 अप्रैल तक लॉकडाउन है। उस परिस्थिति में आप घर से बाहर नहीं निकल सकते और निकलने की कोशिश भी न करें, नहीं तो आप पाप के भागीदार होंगे। इसलिए आप 15 अप्रैल के बाद ही बैंक में जाकर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अगर बाबा ने चाहा तो 15 से पहले ही हमारा देश महामारी से बाहर निकल जाएगा। अब ऑनलाइन की बात करते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप 5 अप्रैल से कर सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए, इसकी जानकारी के लिए मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर देख सकते हैं। अगला है, क्या अमरनाथ यात्रा रद्द हो सकती है? इसका आंसर है, अगर हमारे बाबा ने चाहा तो हमको वो दर्शन के लिए हमें ज़रूर बुलाएंगे और हमारी यात्रा सफलतापूर्वक पूर्ण होगी और हम सब मिलकर बाबा से प्रार्थना करेंगे कि जल्दी से जल्दी हमारी इस महामारी का समाधान करें। मैं यहाँ पर अभी कुछ नहीं बता सकता हूँ कि यात्रा इस साल की रद्द होगी या फिर नहीं। ये सब कुछ आपके हाथ में है, हमारे हाथ में है। जितना हम अभी घर के अंदर रहेंगे, उतनी ही जल्दी हम बाबा के दर्शन कर पाएंगे। बहुत सारे भक्तों के मन में ये भी विचार आ रहा होगा कि इस साल की यात्रा पर हम नहीं जाएंगे। अगर आप इस साल की यात्रा कैंसिल करने की सोच रहे हैं, तो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि आप यात्रा पर ना जाकर भी उतना ही पुण्य कमा सकते हो जितना यात्रा पर जाकर। वह कैसे, ज़रा ध्यान से सुने। अगर आप यात्रा पर जाते हो तो आपको 4,000 से लेकर 10,000 रुपये तक का खर्च होने वाला है। उतने ही पैसे आप गरीब मजदूर, दिहाड़ी मजदूर आपके गली मोहल्ले या आसपास में मिल जाएंगे। इस समस्या की घड़ी में आप उनको खाना खिला सकते हो और बहुत सारा पुण्य कमा सकते हो। मैं तो बोलना चाहता हूँ, आप इस साल की यात्रा पर भी जाइए और गरीबों की हेल्प भी जरूर करें, भगवान आपको उससे दोगुना देगा। आज के समय में बहुत सारे गरीब लोगों के पास खाना खाने और रहने के लिए, सोने के लिए कुछ भी व्यवस्था उपलब्ध नहीं है। इस समस्या की घड़ी में उनका भी जरूर साथ दे, भगवान आपको उससे दोगुना देगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और शेयर करना ना भूलें, और हमारे साथ जुड़ने के लिए नीचे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर जरूर क्लिक करें। तब तक के लिए जय बाबा बर्फानी।